वेलकम टू कैपिटल एक्वायर फाइनेंशियल प्लानर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही शानदार चीज बताने जा रहा हूं, जिसका यूज करके आप एक अच्छा ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और हमारा जो पैसा है वो सिक्योर रहे, मतलब हमारा पैसा लॉस में ना जाए और बहुत ही तरीके से सिक्योर रहे और हम एक अच्छा रिटर्न 2 से 3 साल 4 साल में बना पाए। तो कैसे करते हैं इसको, हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस इन्वेस्टमेंट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए और हम चाहते हैं 5 लाख से 10 लाख 12 लाख रुपए का रिटर्न 2 से 4 साल 5 साल में बना पाए। तो कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो क्या करना है दोस्तों कि इस 5 लाख के अमाउंट को हमको क्या करना है कि अपने सेविंग अकाउंट के बैंक में FD कर देना है, फिक्स डिपॉजिट कर देना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर फिक्स डिपॉजिट से हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो मैं बताता हूं, जो FD होगी वो आपकी होगी MIS स्कीम में। MIS स्कीम वो स्कीम है जिसमें आपको महीने का एक रेगुलर इनकम बैंक देती है, मंथली इनकम देती है। जैसे 5 लाख रुपए में आपको 3,000 से 3,500 रुपीज के आसपास आपको रेगुलर इनकम होगा, ठीक है, 3,500 के आसपास आपको रेगुलर इनकम होगा। अब इस 3,500 को हमको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इक्विटी किसमें, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है 3,500 रुपए को। अब क्या होगा दोस्तों, इस 3,500 को हम इन्वेस्ट करेंगे, अब अगर हम लगभग तीन साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 36 मंथ रहेंगे, ठीक है, और 3,500 रुपीज हमारा इन्वेस्ट होगा। तो अब हमारे पास कितने आ जाएंगे, जैसे एक साल में लगभग हम 40,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में हमारा लगभग इन्वेस्टमेंट आएगा 1,20,000 के आसपास आएगा, ठीक है, ठीक है, 1,20,000 के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 साल में और 5 लाख हमारा जो टोटल कैपिटल है वो भी सिक्योर है। अब दोस्तों 1,20,000 आपका गेन कैसे करेगा, प्रॉफिट कैसे होगा, इसके बारे में मैं स्टॉक मार्केट से बताऊंगा कि कैसे हम 1,20,000 को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। अभी तक आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं आई होगी जैसा मैंने बताया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 1,20,000 रुपए आपका सेफ हो गया है, मतलब आपका 1,20,000 रुपए का कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्ट हो चुका है। अब हम 3 साल पहले एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। इस स्टॉक की कीमत जो थी 1 साल पहले, इसकी कीमत 3 साल पहले 550 रुपए प्रति शेयर थी, ठीक है, जो डेट था उस किस डेट में थी, 12 फरवरी ही थी जो डेट थी, 12 फरवरी 2017 के आसपास, लगभग 4 साल पहले, ठीक है, और 2017 में इसकी कीमत थी 550 रुपए पर शेयर और आज इसकी कीमत है लगभग 1,500 रुपए पर शेयर, ठीक है, 1,500 रुपए पर शेयर। तो लगभग इसकी जो कीमत है वो 3 गुना बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 3 गुना। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए है तो इसको हम मान लीजिए कि 3 गुना हमारा ग्रोथ हुआ है तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आ रहा है 3,60,000 रुपए के आसपास आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 5 लाख आपका कैपिटल जो है FD में फिक्स है, 3,60,000 रुपए के आसपास आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है ये रिटर्न निकल के आया है। अब दोस्तों आप एक चीज और इसमें हम तीसरा जो हमारा इनकम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है, वो इस 3,60,000 रुपए में हम कैसे बनाएंगे। आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस में हमको एक रिटर्न मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड और बोनस, ठीक है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में 3,60,000 रुपए का कैपिटल ग्रोथ हो चुका है तो इसमें हमको 4 से 5% तक का रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्री में एवरी ईयर मिलता है। तो अगर हम 4% भी मानते हैं तो लगभग 16,000 रुपए के आसपास आपको जो 3% से 4% या 5%, तो 16,000 रुपए से 18,000 रुपए आपको एक महीने के रिटर्न मिले, एक साल में रिटर्न मिलेगा। तो इसमें को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 50,000 के आसपास ऑलमोस्ट डिविडेंड ही मिल चुका है। इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे
तो लगभग 4,10,000 रुपीज हुआ। तो दोस्तों ये देखिए कि जैसा मैंने कहा था कि 4 से 5 साल या 3 साल में भी आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों 5 लाख आपका सेफ है बिल्कुल एफडी में, जहां पे कोई कैपिटल लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है आपका। अगर मार्केट में लॉस भी होता है तो यहाँ पे मेन कैपिटल सिक्योर रहेगा। सेकेंडरी, आप अपने इन्वेस्टमेंट को MIS के तौर पर रेगुलर एज ए SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, एज ए SIP अगर किसी पर्टिकुलर अच्छी कंपनी में लगाते हैं तो आपको इस तरीके के रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके 4 साल में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, 3 से 4 साल में आपका कैपिटल जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल होने के साथ साथ आपको लगभग 5% का एक अलग से रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न होगा डिविडेंड और बोनस के फॉर्म में। ठीक है, डिविडेंड एंड बोनस जो आपको मिलता है वो डिविडेंड और बोनस आपको मिलेगा। मतलब 5 लाख आपका सेफ है, आपका 3.5 से 4 लाख का कैपिटल हो गया है और इस कैपिटल पे आपको डिविडेंड भी रेगुलर मिल रहा है। और आपको एक देखिए 3 तरह से आप रिटर्न निकाल रहे हैं, पहला तो ये इन्वेस्टमेंट, दूसरा ग्रोथ रिटर्न और तीसरा डिविडेंड और बोनस। तो 3 तरीके से आप अपना रिटर्न जो है निकाल रहे हैं। और ये पूरा जो प्लान है इसमें एक भी सिंगल कॉइन का लॉस नहीं है, क्योंकि मेन कैपिटल आपका सिक्योर है। फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट से ही इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे मेरी जरूरत कैसे पड़ेगी, मेरी कंपनी कैपिटल एक्वायर आपकी हेल्प कैसे करेगी। जिन भी भाइयों को दोस्तों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो अपना एक अमाउंट FD करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो कि आने वाले 3 से 4 सालों में आपके पैसे को दोगुना तिगुना कर सकते हैं, हमारी कंपनी कैपिटल एक्वायर, आप हमारी वेबसाइट www.capacquire.com पे जाके देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जिन्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो पूरे प्लान का सिस्टम का, वो मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। तो किन कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं आपको अपने पूरे आने वाले समय में बताऊंगा। जो लोग भी मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ये सबसे सिक्योर और सबसे बेनिफिशियल है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। ऐसा तो हम लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्लान जनरली ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। और आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं बीमा के रूप में, LIC और बहुत सारे बैंकों में, जहां पे पैसा डूबने का भी खतरा रहता है। तो ये जो प्लान है ये आपके पैसे डूबने के खतरे को बहुत हद तक कम कर देता है और एक सिक्योर और एक्यूरेट रिटर्न आप बना सकते हैं। तो दोस्तों जिनको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जिनको अच्छा लगा हो, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, फ्यूचर प्लानिंग कैसी करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सजेशन दूंगा, गाइडेंस दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।